दोस्तों, अगर आप भी सूर्या और पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दूसरे T20 मुकाबले में हार चुका था भारत, लेकिन उस अंतिम ओवर में सूर्या के एक चमत्कार से भारत उस हारे हुए मैच को जीत गया। अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आपको दिखाने जा रहे हैं, वो एक एक गेंद जिस पर सूर्या और पांड्या ने चमत्कारी पारी खेलकर भारत को हारी हुई बाजी जिताई। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, सूर्या पांड्या में एक बेहतर बल्लेबाज, एक बेहतर फिनिशर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाला लो स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि मैच शुरू होता है न्यूजीलैंड की टीम के टॉस जीतने के साथ पहले बल्लेबाजी चुनने के साथ। न्यूजीलैंड की टीम इस बात से बेखौफ मैदान में उतरती है कि ये स्पिनर्स की पिच तो है ही नहीं, लेकिन आज आते ही युजवेंद्र चहल फिल एलन का विकेट लेते हैं, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर डिवॉन कॉनवे को आउट करते हैं। फिर तो देखते ही देखते दोस्तों, पूरी न्यूजीलैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आती है। क्या ही डेरिल मिशेल और क्या ही ब्रिसवेल, हर कोई भारतीय गेंदबाजों के आगे पानी भरता नजर आया। जाते जाते दोस्तों, अर्शदीप भी दो विकेट ले गए। 60 पर जिस टीम के 5 विकेट हो जाएं, तो सो वो मैच तो वैसे ही नहीं जीता करते। खैर, न्यूजीलैंड की टीम रेंगते हुए 20 ओवर में 299 तक पहुंची और जीतने का हमें टारगेट दिया मात्र 100 रन का। लग रहा था कि ये तो T10 मैच होने वाला है और हम तो 10 विकेट से जीतने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर वाकई में हर प्रिडिक्शन फेल है। और आज केवल प्रिडिक्शन फेल नहीं हुई, वो भी खिलाड़ी फेल हो गए जो 200 रन मार कर आ रहे हैं वनडे मैचेस में। दोस्तों, ईशान किशन और शुभमन गिल की पारी इससे पहले कि मैदान में जम भी पाती, दोनों खिलाड़ी अपना विकेट गवा चुके थे। शुभमन गिल पहले आगे बढ़कर 11 रन पर आउट होकर गए, तो उधर ईशान किशन 19 रन पर अपना विकेट फेंक गए। राहुल त्रिपाठी से तो उम्मीदें वैसे ही नहीं थी, ऊपर से वो भी फ्लॉप हो गए। अब दोस्तों, बची कुची मेहनत वॉशिंगटन सुंदर मैदान में कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव उनका भरपूर साथ भी दे रहे थे। दोनों खिलाड़ी रन ना बनाने की बजाय टीम को जिताने पर ज्यादा फोकस थे, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव की एक गलत कॉल सुंदर को रनआउट कराती है और वहां से मैच का मोमेंटम पलटता है। 200 पारी के 15वें ओवर में सुंदर के रनआउट होते ही कप्तान साहब को मैदान में बुलावा आता है। पांड्या और सूर्य कुमार मिलकर 200 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपने विकेट्स बचाते हैं और पार्टनरशिप बनाए चलते हैं। लेकिन दोस्तों, मामला तब तक अच्छा लग रहा था जब तक 18 गेंद में 18 रन चाहिए थे। लग रहा था एक गेंद पर एक रन ही तो चाहिए, हम तो एक ही ओवर में मैच जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये केवल हमारे मन का एक भ्रम था, क्योंकि दोस्तों, जिस ओवर में हमें जीत जाना चाहिए था उसमें तो हमें मात्र 5 ही रन मिले। अब दोस्तों, मामला 12 गेंदों पर शिफ्ट हो गया, 12 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। यह भी कोई बड़ा टारगेट नहीं था, क्योंकि जब सामने सूर्य कुमार यादव और पांड्या हो तो 12 गेंदों में तो 36-40 रन बन जाते हैं। ये 13 रन क्या मामूली चीज थी, लेकिन दोस्तों, आज यही 13 रन 1300 रन के बराबर हो गए चेज करने। 200 पारी के 19वें ओवर में बड़ी चालाकी से फर्ग्यूसन ने मजबूर कर दिया था पांड्या और सूर्य कुमार यादव को बड़ा शॉट ना खेलने पर, लेकिन फिर भी पांड्या ने रिस्क लिया और चौका जड़ दिया, हालांकि वो आउट होते बच गए थे। अब 200 मोमेंटम अंतिम ओवर में चला गया और ये वो लम्हा था जहां पर दर्शक कुर्सी पर बैठ गए थे, क्योंकि 206 गेंद में 6 रन चाहिए थे, लेकिन वो इस बात से बेखौफ थे कि आगे क्या होने वाला है। पहली गेंद पर टिकनर के 201 रन मिला, सूर्य के पास स्ट्राइक चली गई। अगली ही गेंद पर दोस्तों, सूर्य कैच आउट होते होते बच गए। अब 4 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। एक फुल लेंथ की डिलीवरी डालते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से 200 टिकनर ने सूर्य को ट्रैप में फंसाना चाहा, फिर से कैच ड्रॉप हुआ और सूर्य बच गए। 203 गेंदों में जब 5 रन चाहिए हो तो जान हलक में आ जाती है। पांड्या के पास चौथी गेंद पर स्ट्राइक थी, उन्होंने एक रन लेकर सूर्य को स्ट्राइक थमाई और धीरे से कान में कहा कि इस गेंद पर आप मैच जिताएंगे। और दोस्तों, फिर वो हुआ जिसका हम सबको पूरे मैच की पहली गेंद से इंतजार था। सूर्य कुमार यादव आगे बढ़ते हैं, दायरे को चीरते हुए बाउंड्री लगाते हैं और हम एक गेंद शेष रहते इस मैच को जीते हैं। हालांकि फिर सूर्या टिकनर की गेंद पर चौका जड़कर हमें इस मैच को जिता ही देते हैं। लेकिन दोस्तों, जीत के हकदार तो कहीं ना कहीं पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों हैं, क्योंकि बाकियों ने तो हमें हरवा ही दिया था। परंतु दोस्तों, जीत के बाद पांड्या भावुक थे, दौड़े चले गए, सूर्य को गले लगा लिया और फिर तो ऐसा बयान दिया है कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार दोस्तों, पांड्या ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव पर कहा, सबसे पहले मैं तहे दिल से तारीफ करना चाहूंगा हमारी टीम के उन सभी गेंदबाजों की जिन्होंने आज न्यूजीलैंड की टीम को इस तरीके से आउट किया। यकीनन तौर पर अगर आप किसी टीम से मुकाबला हार कर आ रहे हो और फिर अगर आपको उन्हें इस तरीके से गेंदबाजी से रोकना हो
तो जाहिर सी बात है दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को पार पाकर आप अगर एक टीम बनाकर गेंदबाजी करें तो इसी तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं। आज मुझे ज्यादातर गेंदबाजों से बात भी नहीं करनी पड़ी, ये हमारे खिलाड़ियों का परिश्रम है कि वो इतनी मेहनत कर चुके हैं कि उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं और वो हमें मैच जिता भी सके। लेकिन उससे भी ज्यादा तारीफ बनती आज सूर्य कुमार यादव की। अंतिम ओवर में एक ओवर पर लगने लगा था कि बाजी हाथ से निकल जाएगी। मैं बल्लेबाजों को दोष नहीं देना चाहूंगा, भले ही शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन अंत अच्छा होना चाहिए था, जो कि सूर्य कुमार यादव की वजह से हुआ। अगर सूर्य अंतिम ओवर्स में वो कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं देते तो शायद हम इस मैच को जीत ही नहीं पाते। और मेरी तरफ से तो इस मैच के लिए सूर्य को जितने भी अवार्ड मिल जाएं सबके सभी कम रहेंगे, मेरे लिए वो आज के मैच के हीरो हैं। और इसी मैच टर्निंग पारी के लिए दोस्तों सूर्य कुमार यादव को ही मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से समर्पित भी किया गया, क्योंकि असल मायने में उन्होंने ही मैच को जिताया है। लेकिन जाते जाते सूर्य पांड्या को ही वो अवार्ड देकर कुछ ऐसा कह गए कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने बयान में कहा, इस तरीके के विकेट्स पे खेलना वाकई में चैलेंजिंग होता है। यकीनन तौर पर हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी ज्यादा उम्दा था, लेकिन जब गेंदबाज विकेट्स ले रहे थे तो साथ ही साथ टीम के बल्लेबाजों को हार्दिक पांड्या इस बात के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि शायद सेम सिनेरियो हमारे साथ भी हो। और जैसा हार्दिक पांड्या ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ, हमारे साथ भी वही घटनाएं घटी, खिलाड़ियों के विकेट जल्दी चले गए और ऐसी पैनिक सिचुएशन में मैं भी अपने आप को मैदान पर सेट करने का प्रयास कर रहा था, ना कि तूफानी बल्लेबाजी करने की, क्योंकि उस वक्त पर टीम की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। लेकिन ऐसे मौकों पर ही तो आपको सोचकर बल्लेबाजी करनी होती है। अगर आपके पास रन्स और विकेट्स की कमी नहीं है तो आप बेधड़क बल्लेबाजी कर सकते हैं अपने ढंग में, लेकिन आज वो दिन था ही नहीं। आज टीम को हमारी जरूरत थी और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि पांड्या ने मेरे साथ मिलकर मैच को फिनिश किया। दोस्तों उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने यह भी कहा, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या ने मुझे आकर उस गेंद से पहले कहा था कि इस गेंद पर ही आप मैच को खत्म कर देंगे। उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया और तभी उस गेंद पर मैं चौका जड़कर अपने देश को जिता भी पाया हूं। लेकिन ये जीत 100 करोड़ भारतीयों की है, हमारे सभी गेंदबाजों की है, सभी बल्लेबाजों की मिलकर है जिन्होंने एक साथ प्रदर्शन किया। और साथ ही जितना अवार्ड ये मैं डिजर्व करता हूं उतना हार्दिक पांड्या भी करते हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने वाकई में सबका दिल जीत लिया, पहले बल्लेबाजी से और फिर शब्दों से। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, सूर्य पांड्या और बाबर में सबसे बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।